subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. हमारे साउथ एशिया में MBA का जो वर्ड है वो इस तरह का रहा हमेशा से कि जो भी MBA करेगा वो दुनिया पे छा जाएगा। ऐसी हकीकत भी है कि MBA बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कोई मामूली चीज़ तो है नहीं। आज की दुनिया बिजनेस की दुनिया है। चाइना से अब भारत की बातचीत होती है तो बिजनेस की टर्म्स पे होती है। चाइना अभी अपनी लैंग्वेज चेंज कर रहा है और कह रहा है भारत से कि चलिए हमसे गलती हुई या आपसे हुई, भूल जाते हैं तो हम मिल जाते हैं आपस में। तो क्या उसकी वजह है? बिजनेस मैनेजमेंट इकोनॉमी, ये दुनिया की अब दो बड़ी हकीकतें हैं। और तीसरी बड़ी हकीकत है मीडिया मैनेजमेंट। ये ऐसी चीज़ें हैं, नैरेटिव की दुनिया हो, बिजनेस आपके हाथ में हो, एडमिनिस्ट्रेशन पे आपका गिरफ्त पक्का हो, तो आपकी पूरी दुनिया पे हुकूमत है। आज मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी ही हस्ती अमेरिका से जुड़ी हुई है जो बीट्स में भारत एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़ जो हमारी है उसमें बातचीत करेंगे कि किस तरह बिजनेस मैनेजमेंट में भारत के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको आगे लेके जाया जा सकता है, अगर कोई कमियां हैं तो उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। चूँकि ये एक ऐसी हस्ती हैं जो ब्रिज हैं भारत और अमेरिका के बीच में भी और वेस्टर्न वर्ल्ड और भारत के बीच में भी, और समझते हैं दोनों समाजों को बहुत अच्छे तरीके से। मैं खुशामदीद करता हूं बहुत ही बढ़िया इंसान विभूति झा साहब का। वेलकम सर। नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हमें आपने निमंत्रण दिया यहां शो में आने के लिए। आप तो ताहिर गोरा इज अ वेरी फेमस नेम एंड आई लाइक यू, आई हैव मेट यू, so delighted to be and honored to be on your program sir. बहुत आपने अच्छे शब्दों में हमारे साथ मोहब्बत का इजहार किया। बात यह है कि हम आपसे सीखते रहेंगे, सिर्फ इस विषय पर ही नहीं। आज हम शुरुआत जो आपसे कर रहे हैं, मैंने सर शुरू में कहा कि वो MBA का वर्ड एक बहुत बड़ा बज़वर्ड भी है और बहुत बड़ी रियलिटी भी है। आपका इस पे काफ़ी गिरफ्त है। ये बताइए कि 1991 में आप अमेरिका पहुंचे, तब से अब तक जो आप इल्म भारत से लेकर आए थे वो इल्म कैसे अमेरिका में काम आया और कैसे आप ब्रिज बने अमेरिका और भारत के बीच? बहुत ही हसीन सवाल है साहब ये तो। मैं जब 91 में यहाँ आया था तो उन दिनों मैं इंडिया में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के साथ काम करता था, और बात ऐसी हुई थी कि 1989 में ये पता चला था कि भारत का आर्थिक सिचुएशन जो है वो वीक हो रहा था। एंड उसके लिए क्या था कि भारत ने, आपको याद होगा कि इंडिया लिबरलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था, जब में उन्होंने इकोनॉमी को खोलने की कोशिश की फ्रॉम द ग्रिप्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मार्केट इंडिया इन दिस कंट्री। तो जिस तरह से होता है फॉरेन बैंक में जो भी काम करते हैं उनको MBA होना चाहिए, तो मेरे पास भी MBA की डिग्री है, लेकिन हमने MBA इसीलिए पढ़ा था, नॉट टू गेट अ डिग्री टू बिकम बेटर, बट MBA जो है वो एक लैंग्वेज है साहब, क्योंकि आई एम ऑल्सो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, सो इकोनॉमिक्स को अमेरिका में MBA का नाम दिया गया। अदरवाइज आप देखें तो इकोनॉमिक्स में भी हम सप्लाई और डिमांड, यू नो, सप्लाई डिमांड, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, फैक्ट्री, एवरीथिंग वी टॉक अबाउट, उसी तरह से MBA अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का योगदान रहा इन ग्लोबल एजुकेशन में। तो MBA की भाषा जब सीख ली तो मुझे एहसास हुआ कि भाई कोई नई चीज नहीं है, वही चीज है, उसको नया रूप दिया गया है। तो MBA इज अ became a very global thing and American universities, चूंकि लोग यहाँ आना चाहते थे पढ़ने के लिए, American education का दुनिया में बोलबाला है, everybody wants to be part of Harvard, Yale and whatever, तो उसकी वजह से MBA ने currency gain की। लेकिन मेरे हिसाब से, you know, मैं sports का एक उदाहरण देता हूँ, आपके Prime Minister इमरान खान, हमारे सचिन तेंदुलकर, इनको MBA नहीं करना पड़ा सफल होने के लिए। That's a very important thing to remember. कि दुनिया में अगर स्पोर्ट्स का अगर आप
नजरअंदाज करें तो आज तक किसी स्पोर्ट्समैन को एमबीए क्लास नहीं करना है टू नो व्हाट इज लीडरशिप, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, हाउ टू परफॉर्म अंडर स्ट्रेस व्हाइल द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग यू, राइट? सो द क्वेश्चन हियर इज बट वेरी इंपॉर्टेंट, इधर एमबीए इज अ टूल टू बिकम मैनेजर. MBA is not a tool to make you innovator or entrepreneurship. ये बहुत बड़ी समझ की चीज है. को जैसे हमने मैनेजमेंट एजुकेशन में हमने किताब पढ़ी थी, उसका पहला वाक्य जो था वो मुझे बहुत पसंद आया. फर्स्ट सेंटेंस इट सेड, इट्स ट्रूली आयरोनिकल दैट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंटरप्राइज, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंटरप्राइजेस, वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस, world's finest innovations were done by people who had received least formal education, right? Udaharan bahut hai uske sare, you know, you can search the examples from garages where businesses have happened, became a global entity, right? To man MBA banke banda manager ban jata hai sahab us entrepreneur ke company mein. So I am very fond of education and learning, which is good, because education and learning takes allows you to take next step. But education or degree mein bahut bada fark hai. You know, you must have heard about aap to bharat ko bahut achhi tarah jante hain, to aapne suna hoga ye shabd rustic wisdom. Wo gaon mein kisi ko mba nahi hota, lekin kitna gyan hota hai sab. Ye baat samajhne wali hai logon ko, aaj kal ke bachchon ko khaas karke, कि डिग्री हासिल करना बिकम्स यू बिकम लिटरेट, यू डोंट नेसेसरली बिकम एजुकेटेड. एंड एजुकेशन इज अ फंक्शन ऑफ योर माइंड बिकमिंग अवेयर, योर माइंड बिकमिंग कॉन्शियस, एंड योर माइंड बिकमिंग अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट यू लिव इन. तो आज की तारीख में बच्चे भी, छोटे से छोटे बच्चे भी आईपैड स्मार्टफोन यूज कर लेते हैं, क्या उनके पास टेक्नोलॉजी की डिग्री है? सोचिए, ये तो सोचने वाली बात है. तो मेरा पर्पस ये रहा, जो कि मैं जब यहां आया 91 में, तो मुझे इंडिया मार्केट करना था. सो यू नो, सो एजुकेशन हेल्प मी, लर्निंग हेल्प मी, इट गेव अ सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी कि बंदा अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करता है, एमबीए की डिग्री है, तो कोई बोलेगा तो बेअकल की बात नहीं करेगा. सो दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. बट आई विल टेल यू द करंट सिनेरियो व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू रियली अंडरस्टैंड. MBA वो कहते हैं कि इट इज फॉलिंग ऑफ द क्लिफ. हर एक चीज की रेलेवेंस होती है, हर एक एजुकेशन की रेलेवेंस होती है. तो आज की तारीख में MBA इज ग्रेजुअली फॉलिंग ऑफ द क्लिफ इन अमेरिका. इट इज लिटरली लाइक अ कैश काउ बीइंग कैश्ड बाय यूनिवर्सिटीज. अब क्या हो रहा है कि पीपल आर गोइंग फॉर स्पेसिफिक स्टडी ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन. सो यू आर बिकमिंग एक्सपर्ट इन मार्केटिंग, you are becoming expert in artificial intelligence, and that part of the thing is becoming more important, because companies ko ab utna samay nahi hai ki ek general mba ko company mein hire kiya aur usko train kiya kisi khas kaam ke liye aur usne apni valuation badha ke kahin aur join kar liya. So there is a tremendous amount of waste of that. So I'm giving you a very different thought. I am not here to praise mba up to sky, because I have done it, because but I know it has a limited relevance, because aap jab kaam pe hain MBA pe, to aap bank mein hain ya production management mein hain, aapka role badal jata hai, aapko wo functionality seekhni padegi. To aaj ke tareek mein main India mein logon ko yehi kehta hu, MBA mat karo, kaam ki cheez karo. Get a degree in negotiation, get a degree in marketing, get a degree in marketing and selling, get a degree in something else which makes you directly relevant. और उसका सिलेक्शन जो है साहब, ये मेरा वेरी फेवरेट टॉपिक है, तो इसका सिलेक्शन है कि बच्चों को चाहिए, इंडिया में वही एनकरेज कर रहा हूं मैं, फाइंड योर टैलेंट, बिल्ड योर स्किल्स अराउंड इट एंड ड्राइव इट विथ योर वैल्यू सिस्टम्स. ये मूल मंत्र है साहब. दिस वे यू विल नेवर बी आउट ऑफ जॉब, यू विल ऑलवेज हैव अ लाइफ, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट. आपने बहुत अच्छे अंदाज के साथ जो आज की रियलिटीज़ हैं उनके साथ एमबीए को जोड़ा. आपने कहा कि एमबीए एक ऐसी शय है, यानी आप मैनेजर बन जाते हैं. शुरू में मैंने सर कहा था कि एक बज वर्ड भी रहा और एक प्रेस्टीजियस कॉन्सेप्ट भी रहा कि डॉक्टर और इंजीनियर के बाद साउथ एशिया में एमबीए बन जाएं. साइंटिस्ट बनने की बात नहीं होती थी, या
इकोनॉमिस्ट बनने की बात नहीं होती थी, आपने इकोनॉमिक्स में भी मास्टर किया हुआ है और आप ये कह रहे हैं कि एमबीए करने की बजाय आप किसी सर्टन स्पेसिफिक एरिया में स्पेशलिस्ट बन जाइए, वो अच्छा है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी भारत पे भी गहरी नज़र रहती है, भारत में अब एमबीए क्या वाकई बज़वर्ड रहा उस तरह, या वो वाली हैसियत नहीं रही भारत में? अभी देखिए, एक बात बहुत बहुत बढ़िया सवाल है ये, इसमें भारत में क्या हो गया है कि लोगों को, यू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 6 साल से 24 साल की उम्र में के बच्चे के इंसान, इस ग्रुप का जो इंसान है, 250 मिलियन लोग हैं वैसे बच्चे। और इसी बात को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम चालू किया था, उनको ये डेटा पता था इसके बारे में। तो इसके पहले, बहुत साल पहले, नंदन निलेकानी जो इंफोसिस के हेड हुआ करते थे, उन्होंने एक शब्द बनाया था, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये जो एज ग्रुप है इंडिया का, वो बड़ा ही सॉलिड एज ग्रुप है। इस एज ग्रुप को प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड करने के लिए ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में मेक इन इंडिया का कैंपेन रखा था कि अब जो है एमए फिलोसफी, एमए इंग्लिश, एमए संस्कृत, एमए उर्दू मत करो, अब ऐसा करो जिससे कि तुम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सको आज की तारीख में जो कंपनियां, जो बिजनेसेस आ रही हैं। अब एआई पढ़ने के लिए, टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आपको एमए फिलोसफी, संस्कृत, उर्दू और हिंदी काम नहीं आएंगे साहब, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वो 5 साल वेस्ट गया। तो यू हैव टू बिकम रेलेवेंट टू द टाइम दैट यू आर लिविंग इन। हमारे उम्र में ये सब टेक्नोलॉजी थी ही नहीं साहब, तो हम तो गधे घोड़े एक समान पढ़ते थे, जो भी पढ़े चूंकि अच्छा जॉब मिले। संक्रांत सानू जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि लाखों लोग आईआईटी का इम्तहान देते हैं, 1000 का होता है। मैं भी उस रास्ते से गुजर चुका हूं। आफ्टर डूइंग इकोनॉमिक्स टू क्वालिफाई इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ यंग ऑफिसर, इट इज अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम, आई लव बैंकिंग। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने 7 घंटे का इम्तहान एक दिन में दिया था, 9000 को बुलाया गया था इंटरव्यू में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 9 मेंबर सर्विस बोर्ड में, फॉर 100 एडवर्टाइज पोजीशंस, ऑफ विच 25 वर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एंड 25 फॉर इंटरनल कैंडिडेट्स, कि उनको भी तो आशा उम्मीद होनी चाहिए, इंटरनल कैंडिडेट जो यंग बच्चे जिन्होंने किसी लोकल ऑफिस में क्लरिकल एम्प्लॉयमेंट ली थी, उनकी भी तो एम्बिशन पूरी करनी है। तो आप ये सोच लीजिए कि रेशियो क्या रहा, इफेक्टिवली 50 सीट के लिए लाखों लोगों ने इम्तहान दिया। तो हम भी उस दरिये से गुजर चुके हैं साहब। तो उसमें क्या होता है कि बट टैलेंट और एबिलिटी, ये अलग अलग चीजें होती हैं। तो आज की तारीख में विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे को एमबीए की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने टैलेंट को ढूंढा, उन्होंने अपना टैलेंट बनाया, रियलाइज किया कि क्रिकेट की खेल में साइज उतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्रिकेट की खेल में मसल बनने की जरूरत नहीं होती, आपकी बॉडी को सपल फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एंड इंडिया में अभी क्या हो रहा है, एमबीए में लोग उतने नहीं जा रहे हैं जितने की टेक्नोलॉजी एजुकेशन में जा रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन में जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में जा रहे हैं, बिकॉज स्किल डेवलपमेंट कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ बिजनेस। एंड आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल विथ अमेरिका। अमेरिका में आपने जाना होगा शायद कि यहाँ पे 90% ऑफ द अमेरिकन, मैंने यहाँ पे बहुत सीखा, मैंने देखिए दुनिया में कोई भी इंसान पूरा 100% परफेक्ट नहीं होता, ना कोई कंट्री 100% परफेक्ट होता है, सब में खामियां होती हैं, यू नो, बट वी हैव टू, इफ आई हैव टू लाइक ताहिर गोरा, आई विल लाइक 1 फीचर और 2 फीचर्स इन हिम, एंड से बंदा सही है, इसे दोस्ती करते हैं। आपसे झगड़ा करना होगा तो मैं 1000 वजह ढूंढ सकता हूँ। तो मैंने वैसे ही अमेरिका को देखा कि ये भी कंट्री अपनी अजीब चीज है, यहाँ सब लोग हाथ पांव दे के आना चाहते हैं, मैं तो आना भी नहीं चाहता था क्योंकि आई वॉज वेरी सक्सेसफुल इन इंडिया, आई डिडंट नीड टू कम टू अमेरिका, बट आई केम हियर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो मैंने देखा कि अमेरिका में जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इज देयर बिकॉज दे नो हाउ टू यूज मनी वेल, कैपिटल एफिशिएंसी, फाइनेंशियल एफिशिएंसी बड़े जोर की यहाँ पे है, उसको वैल्यू करते हैं, और यहाँ पे लेबर की डिग्निटी बहुत ज्यादा है, चाहे वो ड्राइवर हो या स्ट्रीट क्लीनर हो, हर को अपना ये
अपनी ये क्या कहते हैं शाख है कि मैं ये काम कर रहा हूं. देयर इज अ प्राइड फॉर डूइंग व्हाट यू डू. 90% ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी इज इन प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर में अगर होगा तो बिजनेस फेल भी होती है अपनी वजह से और फैक्टर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल. इट कैन ऑलवेज हैपन. बिजनेसेस विल फेल. तो सिस्टम प्रोवाइडेड फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट फेलिंग बिजनेसेस एंड टू मेक श्योर दैट हाउ दे राइज बैक. तो 90% इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर में थी. तो प्लम्बर है, ड्राइवर है, क्लीनर है, हर एक ऑक्यूपेशन बिकेम एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट. इट डजंट मैटर हु डज व्हाट. मैं तो इंडिया में लोगों को कहता हूं ड्राइवर को ड्राइवर मत बोलो, उसका नाम लो, चाहे मोहन मोहम्मद या मार्टिन जो भी हो, उसको नाम से पुकारो. तो मैं तो जब भी इंडिया जाता हूं, जिस टैक्सी वाले से बैठता हूं, मैं उससे बड़ी अहमियत से उससे बात करता हूं, बड़े प्यार से उससे बात करता हूं. वो कहता है मुझे कि झा साहब आज तक इतनी अच्छी तरह से हमें इंसान किसी ने माना ही नहीं. तो जब आप उस चीज की महत्ता समझेंगे तो हमारे महाभारत के हिसाब से मैं लोगों को कहता हूं कि इंडिया में मुंबई दिल्ली कहीं भी आपका ड्राइवर आपका सारथी है और वो कृष्ण का स्वरूप है. वो आपको नेविगेट करता है ट्रैफिक आपको अपने डेस्टिनेशन पे ले जाने के लिए. तो लोगों की इज्जत करनी चाहिए. सैनिटेशन डिपार्टमेंट का बंदा, वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट का बंदा काम न करे तो अपने घर में बदबू हो जाएगी. क्या कह सकते हैं कि वो काम बेकार है. ये जो महत्व है अमेरिका में वो इंडिया में आ रहा है और बड़े जोरों से आ रहा है. सो अब स्किल डेवलपमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही है और लोगों का जो है वो क्लासिक एजुकेशन, क्लासिकल बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, वो धीरे धीरे दब रहा है, वो घट रहा है. क्योंकि अगर आपको ऑथेंटिक इंटरेस्ट हो, ये बात जो है इंडिया से, इंडिया ने सीखी अमेरिका से. हमें अपने दोस्तों दुश्मनों सबों से सीखना है, वही सिखाते हैं असली लेसन, राइट. तो वो जो है वो इंडिया ने सीखा कि अब हमें स्किल डेवलपमेंट करना है. कंप्यूटर चलाने के लिए हमें कंप्यूटर की शिक्षा चाहिए. अब एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, डिजिटल एजुकेशन इज बिगेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया राइट नाउ पोस्ट कोरोना वायरस की वजह से. तो यू नो एजुकेशन इज अ बिग बिजनेस, बिग अपॉर्चुनिटी एंड इंडियंस आर हाईएस्ट सब्सक्राइबर ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया. इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियंस एंड इंडियन स्टूडेंट्स, देयर आर 750 मिलियन इंडियंस सब्सक्राइबर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन. जस्ट इमेजिन विद द हेल्प ऑफ द टाइनी इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आईफोन और स्मार्टफोन, सारी दुनिया आपके आपके हाथ में है साहब. वो जो पहले पुराने में कहते थे दुनिया मेरी हाथ में है, वो आज असली तरह से आ गया. आईफोन स्मार्टफोन आप खोले तो सारी दुनिया का हर एक नॉलेज आपके पास अवेलेबल है. अगर आप सीख सकें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ना किया तो वो तमाशा बन के रह जाता है. आपने अच्छा कहा कि अगर सीख सकें तो बहुत कुछ सीखने को है और अगर ना सीखें तो दुनिया एक तमाशा बन जाती है. सर आपने जोर दिया कि जो मैनेजमेंट है उसको सीखना चाहिए, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है. आपने कहा कि जो स्पेसिफिक नॉलेजेस हैं इस पर इस वक्त भारत के यहाँ जोर भी है और इस पर जोर देना भी चाहिए. तो ये जो मैनेजमेंट की दुनिया है इसकी जो स्पेसिफिक जो भी इसके फील्ड्स हैं या जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं इसके जो इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में वो कैसा काम कर रहे हैं. They are doing well, by the way. I'll tell you, I'm not American educated. I'm entirely 100% India educated. All right? हमने तो अंग्रेजी भी हिंदी माध्यम में सीखी थी बिहार में 12वीं क्लास तक. लेकिन इस अजीबो गरीब भाषा को भी सीखने का मैंने ठान लिया था. मैं जो हूँ 100% इंडिया का पढ़ा लिखा हूँ, 100% पढ़ा लिखा हूँ. हम लोगों में सीखने की तावीज थोड़ी बहुत है. हम लोगों में हम ऑलवेज वी आर लर्नर्स एंड दैट लर्नर एबिलिटी कम्स फ्रॉम आवर फिलोसफी ऑफ बीइंग अ सीकर. आप इस बात को जानते हैं, आपके हमने आपकी आवाज सुनी है इन सब बातों को. तो मैं आई एम नॉट प्रीचिंग टू द कोयर. I want to share with you that because we are the way we are, so we want to learn more. So, हम जैसे हमारी बात है, बिहार में हमने अंग्रेजी भी हिंदी माध्यम में ही सीखी थी 12वीं क्लास तक. कॉलेज में आने के बाद मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया. हम मैं बात करते कि ये भाषा है बड़ी उल्टी पलटी.
आज तक इन लोगों ने बहुत सारे स्पेलिंग्स अगर आप देखेंगे तो कोई वजह नहीं है कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं, करेक्ट? अंग्रेजी की दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज. वो कहते थे कि यू नो हाउ डू यू प्रोनाउंस द वर्ड, टू वर्ड्स स्पेल्ड द सेम वे आर प्रोनाउंस डिफरेंटली. एंड माई फेवरेट एग्जाम्पल इज एन ए के ई डी इज नेकेड, बी ए के ई इज बेक्ड. अगर हमने ऐसी भाषा सीख ली है तो मेरे मन में यह आया था कि मैं इस भाषा को सीखूंगा जरूर, भला हालांकि अंग्रेज ना बनूं, मुझे उसकी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं ये सीखूंगा जरूर. एंड आई वॉन्ट टू टेल देम दैट दिस लैंग्वेज मेक्स नो सेंस कंपेयर्ड टू नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस. एटलीस्ट आई कैन स्पीक अबाउट इंडिया, इन माई संस्कृत एंड माई हिंदी there is no sound on the planet earth that you cannot capture. Every sound can be captured. to maine apne naam ka pronunciation bhi americans ko sikhaya. tahir gora is not tahir gora. vibhuti jha is not vibhutai jha. to maine un phonetics bhi unko sikhaya ki ta bhi koi cheez hoti hai bhai. maine kaha ki main naam nahi badlunga. to you were talking about the fact that learning and education in India is very good. It's also very good because we do study. We focus on math, science, principles. That also is a function of our Sanatan principle you know so well about. We are all humans. Aap Tahir hai, main Vibhuti hoon. Koi fark nahi hai. Correct? नाक हमारे वही काम करते हैं, मुंह वही काम करते हैं, कान वही करता है. एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज वी आर सेम. सो देन व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, दैट्स द पॉइंट व्हिच वी आर डूइंग वेरी वेल. एंड एजुकेशन इन इंडिया इज वेरी डीप. एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. They have made themselves on the style of Western education, which is what is what you call the colonial mindset, which Sanu Sahab also was talking about. कि हमें उनके जैसा होना है, उन्होंने ऐसा किया, हमें वो करना है. But that is more as a competitive element than submissive element. That in society it became submissive because all the jobs were available because you knew English. Then became what is was important because most of the Western countries have developed through scientific entrepreneurship, innovation and growth. Sir, आप जिस जमाने में आए अमेरिका, उस जमाने में हम देखते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत सारे लोग भारत से आए, और वो भारत से जब निकले तो उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में अपना नाम कमाया और बहुत सर्विसेज दी. इसी तरह हमने फॉर द पास्ट 20 ईयर्स देखा आईटी की दुनिया में भारत से जो पढ़े हुए लोग आए वो छाए. इसी तरह हम देखते हैं साइंस की दुनिया में बहुत सारे लोग भारत से पढ़ के आए, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या साइंटिस्ट हों, वो सब के सब यहाँ पर आके एस्टैब्लिश हुए. आज के जो बच्चे पढ़े हुए आते हैं भारत से, पर्टिकुलरली एंड प्रिसाइजली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में, मैनेजमेंट के किसी भी शोबे में, वो कैसा डिलीवर कर रहे हैं? I will give you a very nice statement I was told by a senator once, quite some time back. His statement to me was, and I shared this with majority of Indians, so it is verbatim I'm reporting to you. He said to me that we love you Indians as immigrants to this country. You are educated, you are professionals, you work hard, you are in the highest median income, you have family values, you take care of your children, you are least problem from a law and order perspective other than the occasional stupidity of the white collar crimes, and you are so accommodative of everything that we offer. That is the definition of an Indian and impression of an Indian in this country. We are professionally recognized, and that professional recognition cuts across any age dimension. So, हमारे जमाने में हम आए थे. आई वॉज परहैप्स द फर्स्ट इंडियन टू बी वर्किंग फॉर अ डाउ 30 कंपनी इन अ सीनियर मैनेजमेंट पोजिशन.
अब तो देखिए दुनिया भरी पड़ी है, फ्रॉम सो मेनी कंपनीज इंडियंस आर सीईओस, एंड द इंडियंस आर वर्किंग फार मोर नाउ ऑन द साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. सो जो लोग यहां आए कंफर्टेबल हो गए, बट दे आर डूइंग स्टिल डूइंग वेल. अभी तक आज की तारीख तक, मैं कल का तो मैं बयान नहीं दे सकता, आज की तारीख तक जो क्वालिटी ऑफ इंडियंस आए हैं, दे आर गुड क्वालिटी इंडियंस, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग विच कंसर्न्स मी. ये जो बॉडी स्वैपिंग के नाम पे जो आईटी वर्कर्स जो आए हैं ना, आई डू नॉट नो, दे आर वेरी अनहैप्पी लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू कम फॉर अ जॉब यू रीच योर सेटिस्फैक्शन लेवल वेरी क्विकली. यू केम फॉर अ जॉब फॉर अ सर्टन मनी, you are working for x institution, y institution as a contract labor, right? You make a good living, but your ability to prosper and grow in that setup is limited. You remain forever a contract labor. So just IT company ne aapko yahan bulaya, company A mein job di, wahan ka contract khatam hua, company B mein jao, company C mein jao, company D mein jao. Your lateral or vertical growth opportunity is very restricted for that group of people. But those who are coming as students, they are still top class. India has the highest competitive, you know, the pool of Indian talent coming to university is very, very tough. I deal with that scenario. That's why I'm telling you this, sharing with you this, that US universities have a very interesting high recruitment policy, very subjective, because all the best students from all over the world apply. They have high GMAT score, high TOEFL score, high GRE score. But then universities have a requirement. Is saal hamara jo hai gender ratio aisa hona chahiye. Is saal hame geographical ratio aisa hona chahiye. So uske wajah se India ka jo pool hai, wo bada competitive pool hota hai. So the best of India aspirant is still coming to America for his education and higher studies. I'm not talking about IT workers coming here on contract labor. They are two separate things altogether. आपने भारत के एजुकेशन सिस्टम में जो बहुत प्रोग्रेसिव बातें हैं वो भी शेयर की, लेकिन आपको कुछ ऐसी कमियां नज़र आती हैं ख़ास तौर पर बिज़नेस मैनेजमेंट की स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स की स्टडी में. चूँकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इकोनॉमिक्स और बिज़नेस मैनेजमेंट वो फील्ड्स हैं जो किसी भी दुनिया में किसी भी कौम को आगे लेकर जाते हैं, तो कोई आपको कमियां नज़र आती हूँ, आप सजेशन देना चाहें भारत के एजुकेशन एंटरप्राइजेस को, सरकार को, कि वो उन कमियों को दूर करें? Absolutely, absolutely. This is something, ये जो चीज़ है, ये जो बात उठी थी, एक बार जब मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग के काम के लिए इंडिया में था, तो एक बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के चेयरमैन ने मुझे कहा कि कैन यू ब्रिंग मी द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड दैट वी कैन मेक द इंडियन प्रैक्टिसेस बेटर. एंड माई रिप्लाई वॉज वेरी सिंपल. I said, which best practice can I bring you from Bank of Mongolia or Reserve Bank of San Francisco or Bank of England or Bank of Australia? I'm just giving you the bank name as an example, but I'm not referring to a specific industry. Maine kaha ki aap kahan ka best practice laenge? But the best practices of any community, any society is based on its own cultural values. And I'm a great believer in that. And I said to him, that let us develop our own ethos rather than just importing the Western practice or an American practice. Because American practice or British practice or German practice of efficiency and effectiveness were designed by those people in their country for their cultural activity, but their own cultural elements of life. For example, so German technology, German education, British education, everything came from their language, their ethos, their social values. Lekin sir, agar hum ye dekhe ke Bharat mein business entrepreneurs aur enterprises jo hain wo ab bahut international corporate level pe aa rahi hain, to kya Bharat ki economics ki jo studies hain, jo institutes hain, is qabil hain ke Bharat ke andar hi
इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके? यस यस देयर इज, या आफ्टर ऑल रिमेंबर जितने सारे आईआईटी आईएम के लोग जो यहाँ हैं वो वहीं से पढ़ के आए हैं जी. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. द इम्पॉर्टेंट पार्ट नाउ इज दैट पीपल आर नाउ रियलाइजिंग इट. पहले वो नहीं था, अब ये रियलाइज होने लगा है. तो यू हैव हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, इट्स अ नॉन क्रेडिटेड एमबीए स्कूल, नॉन एक्रेडिटेड गवर्नमेंट बिजनेस प्राइवेट स्कूल. और वहाँ के बच्चे जो हैं, जो वो आईएम नहीं जाते, वहाँ से बच्चे स्पॉन्सर्ड बाय मोस्ट ऑफ द आईवी लीग प्लेसेस एंड बिजनेसेस, दे आर हायरिंग पीपल फ्रॉम देयर. सो यू डोंट नीड टू गो टू आईआईएम और हार्वर्ड, यू हैव इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस दैट इज डूइंग इट. So the government is focusing also a lot in creating its own cultural environment. So people are now realizing, even in America, people are realizing that India educated people are good guys. They are brilliant, intelligent, hardworking. The values begin to play a bigger role. कहाँ पे पढ़ा वो अलग बात हो जाती है. तो जैसे कि यहाँ भी fund managers हैं mutual funds में. They manage $2 billion funds, but they are not educated in Harvard. They are part of a state university system. That's okay. But your intelligence, your smarts are your own. That's what is taken forward. And that's what is happening in India well. And what is the bigger change that is happening is that run of the mill. So see, not everybody can be an innovator and entrepreneur. 80-20 rule to operate karta hi hai. तो उसमें जरा 80% पीपल दे आर नो लॉन्गर गोइंग फॉर बीएससी फिजिक्स और बीएससी केमिस्ट्री और बीए इकोनॉमिक्स और फिलोसफी और संस्कृत. दे आर नाउ स्टडीइंग फॉर आईटी टू गेट इजी एम्प्लॉयबिलिटी. दे आर अंडरस्टैंडिंग द वर्च्यू ऑफ कारपेंट्री, ऑफ प्लम्बिंग. बिकॉज यहाँ पे अगर देखा जाए तो यू विल गेट अ जॉब एज अ प्लम्बर बाई डूइंग अ प्लम्बर सर्टिफिकेशन कोर्स. आपको $60,000 की जॉब गारंटीड है सर. उसके बाद आप प्लम्बिंग की बिजनेस शुरू कर सकते हैं. द स्किल्स दैट यू डेवलप अलाउ यू टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस. आई नो अ जेंटलमैन इन लॉन्ग आइलैंड, एन अमेरिकन गाय. ही डज एयरपोर्ट क्लीनिंग मैनेजमेंट, एयरपोर्ट क्लीनिंग मैनेजमेंट. ही इज $100 million वर्थ बाय डूइंग एयरपोर्ट मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऑफ वन टर्मिनल इन न्यूयॉर्क एंड वन टर्मिनल इन मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. दिस इज वॉट entrepreneurship is all about, is to find your talent, build your expertise and develop the business. That's where entrepreneurship sarkar se nahi aati sahab. That's why Prime Minister Modi ne elan kiya na ki government must get out of the business of business, and he called upon respect to private sector jo America mein hai. So these are transformative things happening in India. Ek baat aur bhi hai, India ki khami ek aur hai. India is a country of 1.3 billion problems, and that is people. Not everybody will be happy with what happens or what changes can be brought about. So there is always somebody who will be unhappy with whatever change comes. And that, the enemies of India will call it a human rights violation. Everybody will talk about that. So when the democratic tool is used against democracy, to unko badnaam karne ke liye, toh people have to tighten the belt, take it in the chin, move forward. And as I always say, always move forward, even in not in a straight line. So keep going forward. आखिर में दो बातें सर. एक तो यह है कि हमें कोई ना कोई बेंच मार्क रखना पड़ता है. भारत का नेबर है सबसे बड़ा चाइना, और चाइना ने भी बहुत तेज़ी से तरक्की की, बिजनेस में भी, मैनेजमेंट में भी, और एजुकेशन में भी, हर लिहाज से. चाइना को अगर हम बेंच मार्क देखते हैं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स की दुनिया में भारत आपको कितना अभी पीछे नज़र आता है, या एट पार है, या कैसे हम उस डिफरेंस को पाट सकते हैं? ये चाइना का जो डिस्कशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ फॉल्स कंपैरिजन, करना ही नहीं चाहिए. ये क्या कंपैरिजन हो सकती है कि मुझे ताहिर साहब जैसे बाल होते तो मैं कैसा लगता? नहीं, मतलब बेंचमार्क के तौर पर सिर्फ. बेंचमार्क शब्द ही गलत है ना साहब. द बेंचमार्क ऑफ दैट इज द सेल्फ डिफीटिंग एक्सरसाइज. The benchmark of America is different than benchmark of Pakistan or India or Canada or Sri Lanka and everybody else. How can I? But it can be aspirational. It can be aspirational in terms of achievement, right? Like John F. Kennedy told here in this country,
that we are not going to the moon because it is easy to go. We are going to the moon because it's difficult to do so. That's it. Will you call it a benchmark or will you call it aspiration and ambition? So aapke rivalry hain, wo aapko kaise dekh rahe hain aur aapne unko kaise compete karna hai? बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटियों का जो रैंक है वो हमें नजर आ रहा है बहुत ऊपर है। चाइना जो है प्राइवेटाइजेशन किया उसने जी, चाइना इज नॉट वेयर इट इज बिकॉज ऑफ कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स, चाइना बिकेम व्हाट इट हैज बिकम बिकॉज ऑफ कैपिटलिस्ट प्रैक्टिसेस थ्रू देयर ओन रेजिमेंटेड लेबर प्लेटफॉर्म फ्रॉम अ ह्यूज पॉवर्टी। तो उन्होंने, दैट इज अ जियोपॉलिटिक्स थिंग, वी विल टॉक सम अदर डे। बट जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया सफर्स द पेन ऑफ डेमोक्रेसी, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज इंडिया हैज। द इंटरनेशनल बिजनेस ने भी आज देख लिया है कि टुडे यू नो यू मस्ट हैव रेड द रिपोर्ट दैट केन इलेक्ट्रिक कंपनी वन एन आर्बिट्रेशन अवार्ड ऑफ $1.4 billion अगेंस्ट इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, वोडाफोन वन इट्स अवार्ड। सो देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, द रूल ऑफ लॉ इज कैओटिक। You know why America does business with the military countries and dictatorships? Because it's easy to do business with those countries, because there is one decision maker. Democracy ka biggest challenge ye hai, is that it runs on the three pillars of freedom of press, judiciary, legislature, and executive. It's very important to understand that democracy structure was never supposed to be an efficient economic business model. Democracy is a political tool to check and balance so that neither executive, judiciary, or legislature becomes an extra constitutional authority. And then there is added a press thing. So India is a chaotic democracy from that point of view. Har aadmi ko apni awaaz hai. Halanki jahan ke military rule mein sabki awaaz band ho jati hai. Sab ji salam ji huzur kehte hain. Hai na? So a comparison is very faulty between India and the India and China. Second part is that India has always been slow in reacting to change. I remember there was a day in Indian consulate, hum yahan the New York mein, and US deficit with China had hit $42 billion. Abhi to trillions mein chal raha hai. Wo din tha jab ye $42 billion ho gaya tha. In American businesses were telling us, tell your government to take at least 10% of business going to China to yourself. बट उन दिनों इंडियन पॉलिटिशियन की आदत थी, देखेंगे क्या होता है। डिसीजन मेकिंग इज की इन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इज की। दैट्स वेयर अमेरिका स्कोर्स ओवर एवरीबॉडी एल्स। बिजनेस डिसीजन इज नॉट टेकन बाय पॉलिटिशियंस हियर, बिजनेस डिसीजन इज टेकन बाय बिजनेसेस। सर आखिर में ये जानना चाहेंगे आपसे, आप बैंकिंग से वाबस्ता रहे, भारत की जो बैंकिंग है वो इंटरनेशनल जो बैंकिंग सिस्टम है उनके साथ कितनी कोऑर्डिनेटेड है, कितनी इफेक्टिव और एफिशिएंट है? मैं बैंकर हूँ, मैं अंदर की बात जानता हूँ। इंडियन बैंकिंग डजंट कंपेयर टू वेस्टर्न बैंकिंग प्रैक्टिसेस एट ऑल, एट ऑल। ट्रेजिकली एनफ दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1969 व्हेन इंदिरा गांधी नेशनलाइज्ड द बैंक्स इन द नेम ऑफ reaching the poor. Now that is an ambition that I have to help the poor people, which is, that was not at fault. The implementation of that entire thing became defective. Responsibility had gone. Three banks in India have non-performing assets. Ek hi bell ka joda, 50 bank ne us ek hi bell ke jode pe paise baant diye. Paisa, after all, is people's money. Bank doesn't have its own money. It's people's money that is in deposit. So banking philosophy India mein, log kaam karne wale acche hain. I was also a banker. So people who are there working in banking are smart, but the government interference in banks made bank a very inefficient place. They had no concept of capital efficiency, unfortunately. I know that because I took money from nationalized banks, lent it to people, made money and returned it to them, they were happy with their 3%. Why? Because they had no concept of cost of money. That money has a cost to it. And Indian banking system for a very long time did not understand the cost of money, the efficiency of capital, as a result of which
NPAs are the biggest problem of banks today. And I tried very hard to bring the message of restructuring, how to deal with that. It's another saga. My note to the governor of RBI, when Mr. Raghurajan was there, it went to him how to turn around the banking industry. They quoted from my note at some place, but nobody did anything about it because they all said the farman to do something will have to come from government. So Indian banking sector, if that sector alone ties up, changes its functioning, efficiency bahut badh jayegi. India ki opportunity bahut hai. I will give you a final example on this matter. I was giving a keynote speech at a global conference and somebody asked me, this was in 2007. Aaj tak main wahi example deta hun. They asked me, what is the meaning of opportunity in Indian context? So I said to him, let's take only two industries, travel, airline industry, and hospitality industry. So America in 2007 had 325 million people as a population base. There were more than 6,550 aircrafts serving the flying needs of Americans. India has a population of 1.2 billion people. There are 350 aircrafts serving the flying needs. So if India just developed airline industry well, it will lead to such a massive growth in many industries, from infrastructure development to electric bulbs to, you know, electronics to taxi service to restaurant service to food industry, backward and forward linkages. That's the kind of thing India needs. Second example was hotel industry. I said, India has between 1-star and 5-star, India has 100,000 rooms for traveling people. Vegas alone, Las Vegas alone has 100,000 rooms. So if we develop domestic tourism, that itself will lead to India's a quantum jump in developing industry. So that will happen only by banking. And unfortunately, what I said in 2007 is still true. Indian airline industry lies in shambles because the government doesn't know how to run airline industry. I'm so happy the government got out of the tourism business. So this is what Prime Minister is trying to do. 70 saal se jo hum ek socialism mein phas gaye the, ji, usme humne lachar apne aap ko bana diya tha. Thank you very much, sir. Aapne bahut hame samay diya. Bahut bahut shukriya. Thank you very much for having me today. Baatein sun rahe the Vibhuti Jha saab ki. Unhone bahut hi waazeh andaaz ke saath bataya ki business management एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडीज़ हैं भारत में उनकी क्या हैसियत है और असल में ज़रूरत है इस बात की कि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिफरेंट शोबों की उस पे ज़ोर दिया जाए. उन्होंने भारत और चाइना के कंपैरिजन में भी अपना रिजर्वेशन रखा. भारत एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़ में हमारी कोशिश होगी कि आपके सामने जितने भी भारत के इम्पॉर्टेंट स्टडी सेक्टर्स हैं उन पर बातचीत सामने लाएं, पैनलिस्ट आपके साथ अपनी ओपिनियन शेयर करें और फिर हम देखें कि भारत में एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी के लिए हमारा ये बीट्स का जो इनिशिएटिव है वो कैसे आपको मदद फराहम कर सकता है. आज का बीट्स का खसूसी शो देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.